सर मजेपाल सर फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी। यस्टरडे वी डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर थर्ड क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर नेम इज़ फाइबर टू फैब्रिक। हमने उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन फर्स्ट, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फ्लोइंग नर्सरी राइम्स। आपने ये नर्सरी राइम्स सुनी होगी, बा बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। ओके, तो मैरी हैड ए लिटिल लैम वोज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो इसका मतलब क्या, आंसर द फ्लोइंग, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, किस पार्ट के अंदर ब्लैक शीप के पास वूल होता है। द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर दैट ग्रो क्लोज टू द स्किन ऑफ शीप हैज वूल। उन्होंने बोला जो फाइन और सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिसकी स्किन के पास होते हैं, उसके पास वूल होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब, लैम्ब होता है बछड़ा, ओके, बकरी का। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स द कलर ऑफ द फ्लीस of the lamb is white. The natural fleece of the sheep and goat is black and brown in color. उन बोला जो natural fleece होती है sheep की या goat की, black, brown और white होती है. Okay? Question number second, the silkworm is a caterpillar, a larva. Choose the correct option. तो आपको पता है जो silkworm है वो caterpillar भी होता है, larva भी होता है, तो both A and B आएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज द फ्लोइंग डज नॉट यील्ड वूल। उनमें से कौन हमें वूल नहीं देता, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा वुली डॉग। जो वुली डॉग है वो आपका नहीं देता, या कैमल और गोट हमें वूल देते हैं। वट इज मीन बाय फ्लोइंग टर्म्स, इन टर्म्स से क्या मतलब है। फर्स्ट है रेयरिंग, इट इज रेंजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द लाइफ स्टॉक। ओके, टेकिंग केयर लाइफ स्टॉक होता है पशु, पशुओं को पालना और उन्हें संभालना रेयरिंग कहलाता है। एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। फॉर कमर्शियल पर्पज, दीज एनिमल्स आर फैड, प्रोवाइड शेल्टर एंड अ ब्रेड ब्रीड फॉर बेटर ईल्ड लाइक मिल्क, मीट, वूल एक्सेट्रा। उन बोला उनको शेल्टर दिया जाता है, उनको फैड अप करवाया जाता है, उनकी ब्रीड अच्छी तरह तैयार करवाई जाती है और मिल्क, मीट और वूल हमें उनसे प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल शीप्स आर रियर मेनली फॉर द वूल, ज़्यादातर शीप्स को वूल के लिए ही पाला जाता है। देर आर मेनली रियर्ड इन एरिया विद लो रेनफॉल, उनको वहाँ पर पाला जाता है जहाँ पर बारिश कम होती है। रियर्ड शीप ईट ग्रास एंड लीफ, जो पाले गए शीप्स हैं वो ग्रास और वीट हमें क्या करते हैं, खाते हैं। दे आर ऑल्सो फीड ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सिस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक एंड मिनरल्स। और ये भी जो मटेरियल्स हैं, पल्स, कॉर्न, ज्वार आप भी खाते हैं। इन विंटर दे आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन ड्राई फूड और लीव्स एंड ग्रेन, सर्दियों में इन्हें ज्यादातर अंदर रखा जाता है और उनको सूखा भोजन खिलाया जाता है। शेयरिंग, वंस ए शीप डिवेल पे थिक कोट ऑफ हेयर, जब उनके ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर आ जाती है उसको शेव्ड ऑफ कर लिया जाता है वूल प्राप्त करने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ द कटिंग ऑफ द वूलन फ्लीस ऑफ द शीप विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। इट इज डन बाय मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर टू रिमूव हेयर। उन्होंने बोला बाद में उसके बालों को काट दिया जाता है, ये वही मशीन होती है जो बार्बर हमारे बालों को काटने के लिए यूज करता है, सेरिकल्चर। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। उन्होंने बोला है कि अगर हम सिल्क वर्म को पाल रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्रीड तैयार कर रहे हैं, तो उसको सेरिकल्चर कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क दैट इज मलबरी सिल्क, तसार सिल्क एटसेट्रा, बस डिफरेंट टेक्स्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क वर्म। तो ये हमें अलग अलग तरह का टेक्स्चर देती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, गिवन बिलो सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ द वूल, विच इज द मिसिंग स्टेप एट द शेयरिंग। ओके, तो शेयरिंग के बाद आपको पता है स्कोरिंग किया जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर उसको सॉर्ट आउट, ओके, स्कोरिंग करके फिर सॉर्ट आउट, फिर फाइबर की स्पिनिंग की जाती है, फाइबर ड्राइंग किया जाता है, रोलिंग इन सिल्क यार्न। तो ये आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना, शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, ओके, फिर फाइबर। शेयरिंग मतलब काटना, स्कोरिंग मतलब उसको धोना, ग्रीस वगैरह अलग करनी, सॉर्ट आउट मतलब उसका टेक्स्चर को सेपरेट आउट करना, स्पिनिंग मतलब उनसे क्या करना, स्पिन करके फाइबर बनाना, फिर फाइबर को सुखाना, फिर रोलिंग इन सिल्क यार्न, फिर यार्न बनाने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेक स्केच ऑफ द टू स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। आपने क्या करना है, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री की करेक्टर स्केच बनाना है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ आपने ये डायग्राम बनाना है, ओके, कि कैसे जो सिल्क मोथ है वो लार्वा में कन्वर्ट होती है, एग देते हैं, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर अपने चारों तरफ को कोकून बनाता है। तो ये आपने कंप्लीट प्रोसेस डायग्राम की मदद से बनाना। क्वेश्चन नंबर सेवन,
आउट ऑफ द फ्लोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, इनमें से जो कौन से दो प्रोसेस है जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर. ओके, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ द मलबरी लीव्स एंड रेलिंग सिल्क वर्म्स. ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबरी इज द मोरस अल्बाबा. तो यहाँ पे सेरिकल्चर और मोरिकल्चर. ओके, क्योंकि मोरी का मीन्स यहाँ पे क्या है, मलबरी लीव्स है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. मैच द वर्ड्स ऑफ द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन गिवन स्कोरिंग. स्कोरिंग आपको बताया था, क्लीन करना शेयर स्किन को. क्या आंसर देख सकते हो, मलबरी लीव्स फूड ऑफ द सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म का फेवरेट फूड है जो मलबरी लीव्स है. या तो वूल यील्डिंग एनिमल्स, जो हमें वूल देते हैं, कोकून यील्ड सिल्क फाइबर, हमें सिल्क फाइबर देता है. गिवन बिलो इज द क्रॉस वर्ड पजल based on this lesson, use hint to fill the blank space with letter and complete the words down. okay, through washing, उन बोला washing के द्वारा across keep warm. okay, तो यहाँ पे through washing, washing process क्या कहलाता है, down आपने बताना है. down के अंदर ये देखो यहाँ पे score आएगा. okay, first के अंदर score आएगा. next animal fiber, सेकेंड के अंदर एनिमल फाइबर कौन सा है, सिल्क जो है एनिमल फाइबर. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन सी है, फाइबर है. ओके, कीम वाम, वाम कौन रखता है, वूल रखता है. इट लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म, मलबरी लीव्स खाई जाती हैं. हैच फ्रॉम द एग ऑफ द मोथ, तो कैटरपिलर आएगा. तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आपने ये पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड कर लिया, कल इस चैप्टर का टेस्ट आएगा, आपने अच्छे से करना है. और ये जो टेस्ट है आपने अपनी रफ नोटबुक पे करना है, जब भी आप स्कूल आओगे आपका टेस्ट चेक भी किया जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.